काली पहाड़ी पर एक अघोरी शैतान को जगाने में लगा था। शैतान किसू, काला बिल्ला जाग जा तू। आज की अमावस्या की इस रात को मैं अंतिम बलि दूंगा। शैतान, तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तभी वो एक खंजर निकालता है और अपने पास ही बैठे हुए सम्मोहित किए गए एक आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है। ले शैतान, मैंने तेरी इच्छा पूरी की, अब तुम मेरी इच्छा पूरी कर। तभी वहां एक शैतान प्रकट होता है। बिल्ला शैतान, तू आ ही गया। शैतान की कसम, अब तहलका मचा दूंगा, तहलका। सेठ करमचंद अपनी हवेली में सो रहे थे। रात के अंधेरे में कमरे में बस हल्की सी रोशनी थी। तभी किसी चीज की आहट से सेठ की नींद खुल जाती है। कौन है, कौन है? अरे सलीम, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो? इधर आओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो भी इतनी रात, सामने क्यों नहीं आते? तभी बिल्ला शैतान उनके सामने आ जाता है। चीखना मत, वरना कच्चा खा जाऊंगा। अरे ये क्या है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? इतनी देर में बिल्ला शैतान उसे दोनों हाथों से पकड़ता है और हवा में उठा लेता है और कहता है, तिजोरी कहाँ है? सेठ इशारे से कहता है, वहां उस दीवार के भीतर। तभी कमरे से सेठ के चीखने की आवाज आती है। सेठ को शैतान ने बुरी तरह मार दिया होता है और दीवार भी टूटी होती है, जहां से वह शैतान तिजोरी लेकर जा चुका होता है। उधर शैतान उस अघोरी के पास सोने और पैसों से भरी हुई तिजोरी लेकर आता है। आहा, इतना सोना, वाह ले, तूने कमाल कर दिया। इन सबसे मेरा मन नहीं भरेगा, अभी तुझे मेरा और भी काम करना है। फिलहाल मुझे एक सुंदर कन्याओं की जरूरत है। समझ गया ना तू? सुंदर कन्या जिसे मैं अपनी दासी बना सकूं। जा, मेरा हुक्म है, लेकर आ शहर की सबसे सुंदर लड़कियां। शैतानी बिल्ला बोला, मुझे नहीं पता सुंदरता क्या होती है, मैं बस तू जिसे कहेगा उसे ले आऊंगा। तो तू ऐसा कर, शहर की सभी जवान लड़कियों को उठाकर मेरे पास ला। अगर वो मेरी दासी बनने लायक है तो उसे मैं रखूंगा, और इस काबिल नहीं तो तू उसे खाकर अपनी भूख मिटाना। इसके बाद रोज जगह जगह से वह शैतानी बिल्ला लड़कियों को उठाकर उस तांत्रिक के पास लाने लगा। उस अघोरी तांत्रिक को जो लड़की पसंद आती उसे वह अपनी गुलाम बना लेता और एक कोठरी में कैद कर लेता। बाकी जो उसको नहीं पसंद आती थी उसे वह शैतानी बिल्ला मार कर खा जाता। पूरे शहर में शैतानी बिल्ले का आतंक मचा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में डर डर के रहने लगे थे। ऐसे ही एक दिन एक घर में, बहन शीतल, ये लो, मैं ये हनुमान जी का सिंदूर लेकर आया हूँ। पंडित जी ने बहुत पूजा पाठ करके मुझे यह सिंदूर दिया है, इसे तुम अपने पास रखना, यह बुरी बलाओं से तुम्हें बचाएगा। कुछ दिन बाद सब लोग सो रहे होते हैं, तभी शैतानी बिल्ला वहां आ धमकता है। वह शीतल के पास आकर उसे जगाता है। ए लड़की, चल उठ, तुझे लेने आया हूँ। बिल्ला उसे पकड़ने के लिए आगे आता है। तभी शीतल का भाई राहुल उसे बचाने के लिए शैतान के सामने खड़ा हो जाता है। रुक जा शैतानी बिल्ले, खबरदार, अगर तूने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो भाग जा यहाँ से। शैतानी बिल्ले को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह राहुल को हवा में उठा लेता है। अब इस हाथ से तेरा पेट फाड़ कर तुझे यही मार दूंगा। शैतानी बिल्ला कुछ कर पाए उससे पहले शीतल घर के मंदिर से पंडित जी का दिया हुआ सिंदूर शैतानी बिल्ले के ऊपर छिड़कती है। जय बजरंग बली की। शैतानी बिल्ला जो जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ता है।
उसके बदन पर पड़ा सिंदूर आग की तरह जलने लगता है। राहुल उसके चंगुल से छूट जाता है। शीतल उस शैतान के पास जाती है। शैतानी बिल्ला गिड़गिड़ाते हुए उसे सब बता देता है। वह जलकर भस्म हो जाता है। सब लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक भीड़ को देखकर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। सब लोग उन लड़कियों को आजाद करा लेते हैं और उस तांत्रिक को उसके कर्मों की सजा देने के लिए पीट पीट कर मार डालते हैं। पूरे कर्म का पूरा फल उस तांत्रिक को मिल जाता है।